नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल टीना टिप्स एंड ट्रिक्स में। सर्दी आने के साथ ही ठंड के देसी जुगाड़ भी चालू हो जाते हैं और हमारे देसी नुस्खे तो सुपर हिट हैं। तो चलिए देखते हैं हम आपके लिए नुस्खों में क्या क्या लेकर आए हैं। तो वीडियो को जरूर से देखिए, इस्तेमाल कीजिए और कमाल देखिए हमारे नुस्खों का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर तो जरूर से करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले नुस्खे के साथ। जब हमें कफ कोल्ड होता है तो हमारी नाक बंद रहती है, जकड़न महसूस होती है, तो आप क्या करें, एक पैन को गैस पर चढ़ा लें और इसमें डालें करीब एक चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हमें स्लो गैस पर हल्का सा भूनना है। जब अजवाइन में भीनी सी खुशबू आने लगे और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, तब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। ध्यान रखिए, कलर चेंज करना है, जलाना नहीं है। अब हमें क्या करना है, कोई भी कॉटन का कपड़ा लें या फिर कॉटन का रुमाल लें। रुमाल थोड़ा पुराना होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें भुनी हुई अजवाइन डालकर इस तरह से एक पोटली बना लें। कहने का मतलब है, अजवाइन की एक पोटली तैयार करनी है। आप इसे रात को सोते समय अपने पिल्लों के पास रख लें। इसकी स्मेल आपको काफ़ी रिलीफ पहुंचाएगी। जैसे ही इसकी खुशबू कम हो तो हाथों पर इस तरह से रगड़ लें, इसमें वापस से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। दूसरा नुस्खा है तेल मालिश। गैस पर एक पैन रखकर इसमें तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दें। तेल किसका लेंगे हम, तिल का। हाँ जी, तिल का तेल सर्दियों में काफ़ी फायदेमंद होता है। तिल का तेल नहीं है तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तेल में डालने के लिए हमने यहाँ पर ली है कुछ लहसुन की कलियाँ। इस तरह कलियों को हल्का सा चपटा कर लें। आपको इन्हें नाइफ से नहीं काटना है, ना ही पेस्ट बनाना है। अब आप पूछेंगे क्यों, यह एक टोटका ही समझ लीजिए। लहसुन को इसी तरह करके डालना है। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे एक चम्मच अजवाइन, दो लौंग। लौंग डालने के बाद दूर हो जाइएगा, ये उछटती है। और ये डाला हमने लहसुन। इन सभी चीज़ों को तेल में हमें अच्छे से जला लेना है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और इस तेल को छान लें। इस तेल से बच्चों की हथेली, तलवों और चेस्ट पर रात को सोते समय मालिश करें। बच्चे ही नहीं, बड़े भी इस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। आप इसे बनाकर किसी कंटेनर में स्टोर करके रख लें और हल्का गुनगुना करके यूज़ करें। तीसरा नुस्खा है खांसी के लिए। जब हमें खांसी हो, गले में खराश हो, चुभन हो, तो आप इस तरह से अदरक लें, उसे अच्छे से धोकर छील लें और इस तरह से उसके टुकड़े काट लें। टुकड़े आप किसी भी शेप में काट सकते हैं और फिर इन्हें इस तरह से गर्म तवे पर सेकें। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लें। नमक डालना बहुत ज़रूरी है। नमक के साथ अदरक को सेकें, इतना सेकें कि अंदर से सॉफ्ट और जूसी रहे और ऊपर से हल्की सी ड्राई हो जाए। गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। थोड़ी बहुत कसर है वो गर्म तवे पर पूरी हो जाएगी। अब जिस तरह से हम टॉफ़ी खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से दिन में 2-3 बार एक एक अदरक का टुकड़ा लें और चबा चबा कर उसे खाएं। अदरक का रस जाता रहेगा तो गला ड्राई नहीं होगा, और गला ड्राई नहीं होगा तो खांसी भी नहीं आएगी और खराश भी नहीं होगी। तीनों नुस्खे अपना कर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।